हेलो जागृति, हाय। मैं जानना चाह रहा था कि आर्ट डायरेक्शन में जो लोग आना चाहते हैं उनको क्या स्टेप लेने चाहिए और आपकी जर्नी क्या रही आर्ट डायरेक्शन आने के लिए। ओके, सो एक्चुअली मैं अपना बताऊं तो आर्ट डायरेक्शन में कैसे आना चाहिए वो मैं नहीं बता सकती। मैं तो एक्चुअली मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, जो कि हाँ हेल्पफुल है जब आप सेट मेकिंग में रहते हो, जब आपको बनाना होता है, आपको पता होता है कि क्या कलर पैलेट्स यूज होने हैं सेट पे, क्या चीजें कहाँ प्लेस होनी चाहिए, एवरीथिंग। उसके अलावा मेरे साथ के भी जो कलीग्स हैं उन्होंने किसी ने आर्किटेक्चर किया हुआ है, तो अगर हाँ आप इंटीरियर डिजाइनिंग से हो, आपने आर्किटेक्चर किया हुआ है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप आ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो भी आप आ सकते हो ऑब्वियसली। तो मैं अपने हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपने इंटीरियर्स किया हुआ है और आपने आर्किटेक्ट किया है तो आप ऐसे किसी के जान पहचान में आई मीन सॉरी तो आप कर सकते हो अप्लाई, और उसके बाद फिर यू कैन यू नो एक बार आप घुस गए तो देयर सो मच टू डू एंड सो मच टू लर्न। मतलब आई वॉज तो टोटली न्यू टू दिस प्लेस, दिस इंडस्ट्री स्पेशली। मैंने इंटीरियर्स का नॉर्मल किया था, तो इंटीरियर्स में क्या होता है कि हम लोग आर्किटेक्ट के अंडर पे एज एन इंटर्न या चलो एज एन इंटीरियर डिजाइनर काम कर लिया, बट यहाँ पे यू विल ग्रो रैपिडली। मतलब बिल्कुल ग्राफ ऐसे से ऐसे चला जाता है। सो ऐसे आर्ट डायरेक्शन में ऐसे। ओके, थैंक यू जगति फॉर योर टाइम। थैंक यू शितिज सो मच। आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे एड शूट कर रहे हैं और बेसिकली एक दिन पहले हम लोग थोड़ा सा सेटिंग करते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ द सेट। आई कैन शो यू द सेट। कम ये जो है वी आर क्रिएटिंग अ वॉल, यू कैन सी द फ्रेम्स व्हिच दे आर मेकिंग। फ्लेक्स लगा के वी हैव कलर्ड दिस वॉल। एक हम लोग इसे पार्टीशन देंगे यहाँ पे। एंड बेसिकली ये एक डॉक्टर का क्लिनिक और उसके दो तीन एक्सेस है यहाँ पे। इधर डॉक्टर का एक्सेस है, दिस साइड का आई शो यू, दिस एक्सेस इज डॉक्टर का क्लिनिक। तो यहाँ पे क्योंकि कोई पार्टीशन नहीं था तो वी हैव क्रिएटेड दिस वॉल। वैसे ही जैसे आप लोगों को टीवी में देखने को मिलता होगा ना सब कुछ, कि ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ वॉल नहीं है, हम लोग उसको कट कर देते हैं एकदम से और इस एक्सिस को इधर से शूट कर लेंगे। तो यू विल कम टू नो कि अचानक से ये वॉल कैसे आ गई, वो कुछ भी ऐसा मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन या आउट ऑफ द वे नहीं लगेगा। तो वी क्रिएट समथिंग लाइक दिस। हाँ, सो मैं आपको बता रही थी कि ये अपना एक डॉक्टर का एक्सेस है, ऐसे करके एक एक सेटअप है। इसका जस्ट ऑपोजिट जो कि अभी बना नहीं हुआ है, ये है जिसपे अपन फ्लेक्स डालेंगे। फ्लेक्स डाल करके इसको भी हम लोग एक वॉल ऐसे करके क्रिएट करेंगे। ये आप देख रहे हो, ये एक मूवेबल ट्रॉली होगी जिसपे उनका कुछ लोगो है, साइनेजेस है, विच विल कम और उसको एक आदमी ऐसे लेकर के चला जाएगा। तो आप जब स्क्रीन पे देखते हो ना तो इट विल कम एंड वो VFX और उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वैसा है। आपको मैं और भी चीजें दिखाती हूँ यहाँ पे जो यहाँ ऑलरेडी बनी हुई होती है सेट्स पे। तो इफ वी वॉन्ट वी कैन यूज दोज प्रॉप्स, द सेट्स विच आर ऑलरेडी This axis, इनका बना हुआ किचन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी किचन का पूरा सेटअप होता है, यूटेंसिल्स सारी चीजें। तो जैसे जो भी सीरियल्स होते हैं जहाँ जहाँ पे भी जरूरत होती है वैसा, तो ये एज इट इज यूज हो जाता है। इसमें हमें ज्यादा मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे कुछ प्रॉप्स उधर भी रखे हुए हैं मेडिकल के, आप देख सकते हो उधर लास्ट में। दीज आर द बुक्स जो आप नीचे देख रहे हो। अभी हम लोग को एक लाइब्रेरी का जगह दिखाना है तो वहाँ का ये स्टैक है। दीज आर आर्ट डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत। उधर जी बंदों में उधर हमें बच्चों में बच्चों का लग मुद्रा नहीं होती है। बैठे हुए हैं ये भी एक लिविंग एरिया का सेटअप है जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ा हम्बल कर दिया है, बट दिस एरिया इज आल्सो यूज्ड फॉर द सेट्स, लिविंग एरिया का। जिस लाइब्रेरी का मैं अभी बुक्स दिखा रही हूँ उसकी ये शेल्फ्स हैं जिसको अभी हम लोग कलर करेंगे और बिल्कुल चकाचक नया बना देंगे। यार करना चालू करने देना। So you can
सी द प्रोसेस कैसे इसको एकदम से नया कर दें। Thank you.